दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, क्योंकि ये वीडियो के अंदर आपको कलर पैच रिमूव करने का एक तरीका दिखाऊंगा। तो दोस्तों, फर्स्ट ये जो प्रॉब्लम आपको दिखाऊंगा, मन में लगेगा कि ये कलर पैच फॉल्ट है। तो कलर पैच प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो करना पड़ेगा, फर्स्ट तो डिगोसिंग कॉइल को एक बार चेक करना पड़ेगा, और डिगोसिंग कॉइल ओके होने के बाद जो पीटीसी होता है, पीटीसी को चेंज करना पड़ता है। तो पीटीसी चेंज करने के बाद और डिगोसिंग कॉइल ओके होने के बाद तब भी कलर पैच प्रॉब्लम रिमूव नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मार्केट के अंदर एक टाइप कलर पैच रिमूव करने का मशीन मिलता है, वैसे कलर पैच रिमूव हो जाता है। तो दोस्तों, जिसका पास वो कलर पैच रिमूव करने का मशीन नहीं है, आपका ट्रिक दिखाऊंगा इस वीडियो में। कलर पैच प्रॉब्लम आएगा तो अब लास्ट वो ट्रिक यूज़ करेगा तो 100% कलर पैच प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन दोस्तों, तब भी कलर पैच प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो और क्या करना पड़ेगा, और कौन पोजीशन को चेक करना पड़ेगा, कौन पार्ट चेंज करना पड़ेगा, तब कोई इस वीडियो में वही आपको देखूंगा। ठीक है दोस्तों, आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेगा तो आप ये इस टाइप कलर प्रॉब्लम आपके पास आएगा तो आप आसानी से रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों उसका पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा चैनल का अंदर सभी टीवी का, सभी ब्रांडेड टीवी का अंदर मैं टीवी का ऊपर मैं वीडियो बना के रखा है, अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखा है। ठीक है, हॉरिजेंटल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन, पावर सेक्शन, बेसबोर्ड, सबका ऊपर मैं डिटेल्स बहुत कुछ वीडियो बना के रखा है। ठीक है, तो वो सब वीडियो देखना चाहता हो तो आप ये चैनल का प्लेलिस्ट चेक करेगा तो वो वीडियो आपका पास आसानी से मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट कैसे ओपन किया जाता है, आप आसान तरीका आपको दिखाता हूँ, और उसका बाद आज का जो फॉल्ट है, कलर पैच प्रॉब्लम रिमूव करने का जो तरीका, ये वीडियो में उसका बाद आपको देखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। तो दोस्तों, ये चैनल का प्लेलिस्ट का वीडियो आप देखना चाहता हो तो आप किस तरह इसका प्लेलिस्ट आसानी से ओपन कर पाओगे। तो दोस्तों, आपको देखना पड़ेगा, मान लो ये जो आप वीडियो देख रहे हो, मान लो मैं अलग से एक वीडियो ओपन करके रखा है। तो मान लो ये आप वीडियो जो देख रहे हो, इसका नीचे देखिए, फर्स्ट ये जो लाल वाला सब्सक्राइबर ऑप्शन है, ये सब्सक्राइबर ऑप्शन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और उसका पास जो बेल आइकन आएगा, वो बेल आइकन को आप ऑल कर दीजिए। ठीक है, तो जिस टाइम आप नया नया वीडियो अपलोड करूँगा, आपका पास साथ साथ नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, सब कुछ फ्री में। ठीक है, और दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये जो टाइटल है, टाइटल का साइड जो चैनल का लोगो है, आप ये लोगो पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये लोगो पर आप क्लिक करेगा तो, इस तरफ क्लिक करेगा तो ऊपर साइड आप फॉलो कीजिए। ऊपर साइड जो आएगा, होम बॉटम, वीडियो बॉटम, प्लेलिस्ट, ये जो प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट पर क्लिक करेगा तो ये चैनल का मैं अलग अलग प्लेलिस्ट जो बना के रखा है, ये आपका पास मिल जाएगा। और ये वीडियो ऑप्शन पर क्लिक करेगा, चैनल का सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं ये प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद अब अच्छा करके देखिए, मैं यहाँ पर जितना मैं प्लेलिस्ट बना के रखा है, बहुत क्लियर करके डिटेल्स, आप कौन टीवी का वीडियो देखना चाहता हो, कौन प्रॉब्लम का ऊपर वीडियो देखना चाहता हो, कौन सेक्शन का वीडियो देखना चाहता हो, आप ये प्लेलिस्ट चेक करके आसानी से आपका जो प्रॉब्लम आएगा वो उसका ऊपर वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। तो दोस्तों, आप देखिए, ये एक अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब है, और ये सैमसंग कंपनी का अल्ट्रा स्लिम टीवी है, और ये सप्लाई देने का साथ साथ इसका अंदर ये ग्रीन लाइट देखा जाता है। ठीक है, और मैं आपको ए भी मूड पर ये नहीं दिखाया, चलिए आपको ए भी मूड पर पिक्चर देख के दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ए भी मूड पर पिक्चर देने के बाद इसका पिक्चर बिल्कुल ओके आ जाता है, लेकिन इसका जो पिक्चर क्वालिटी है, पूरा ही ग्रीन दिखा जाता है। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कैसे रिपेयर किया जाता है, तो दोस्तों देखिए, मैं सप्लाई ऑफ कर दिया, और मन में लगता है कि ये कलर पैच प्रॉब्लम है, तो इसीलिए आपको जो दिखाना चाहता हूँ, तो कलर पैच प्रॉब्लम होगा तो ये आप एक मिनट के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। देखिए, ये पीटीसी में न्यू लगाया, और ये जो डिगसिंग कॉयल, ये मैं बाहर काट दिया। पीटीसी लगाने के बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, ये आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये जो डिगोसिंग कॉयल है, ठीक है, ये जो डिगोसिंग कॉयल है, इसका अंदर मैं क्या करूंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाऊंगा, और कलर पैच प्रॉब्लम होगा तो ये ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आपको क्लियर करके दिखाता हूँ।
तो दोस्तों देखिए, ये जो डिगसिंग कॉयल है, ये डिगसिंग कॉयल मैं टेस्ट करके देखा मीटर लेके, ये ओके है। और यहाँ पर मैं अलग से सप्लाई दे दिया, देखिए ये अलग से कॉर्ड लेके ये अलग से सप्लाई दे दिया। और ये जो वायर, ये मैं एक सीरीज 200 वाट बल्ब, ठीक है, ये जो लाइन है, ये लाइन से मैं ये 200 बल्ब लाइन होके ये सप्लाई जाएगा। और ये जो सप्लाई, देखिए मेन जो पीसीबी का सप्लाई होता है, यह पर मैं कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फर्स्ट ये सप्लाई टीवी को मैं ऑन करूँगा, ठीक है दोस्तों, और उसका बाद ऑन करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या फॉल्ट आता है, ठीक है। देखिए इंडिकेटर ये जल रहा है, इंडिकेटर ये जलने का बाद ये टीवी को स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं स्टैंड बाई से ऑन करके आपको दिखाता हूँ। स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद देखिए इसकी इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। ये सैमसंग कंपनी का अल्ट्रा स्लिम 21 इंची का टीवी है, ठीक है। देखिए ऑन करने के बाद इस तरह इसका ग्रीन स्क्रीन दिखा जाता है। तो चलिए मैं ये भी मूट करके आपको दिखाता हूँ। मैं ये भी मूट कर दिया, ये टीवी का पूरा स्क्रीन देखिए ग्रीन लाइट दिखा जाता है, ठीक है, ग्रीन स्क्रीन दिखा जाता है। आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, देखिए पूरा स्क्रीन के अंदर ग्रीन लाइट, इस तरह ये प्रॉब्लम दिखा जाता है। तो मन में लगता है कि ये है, ये डिगोसिंग कॉयल अच्छा तरह से काम नहीं कर रहा है, इसका फॉल्ट है। तो चलिए इसीलिए मैं ये कनेक्शन किया। और देखिए मैं सीरीज 200 बल्ब लेके कनेक्शन करके एक बार ऑन करके दिखाता हूँ, आप फॉलो कीजिए। देखिए जब मैं इस तरह सप्लाई दे दिया तो इसका कलर मैग्नेट जो फॉल्ट होता है ये ज़रूर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसका कलर पैच फॉल्ट नहीं है। आपको और भी क्लियर करके दिखाता हूँ, मैं एक बार दो बार तीन बार बहुत कुछ ट्राई करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ओनली डिगोसिंग कॉयल सप्लाई में सीरीज 200 बल्ब से देके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो कलर पैच प्रॉब्लम होगा तो ये ज़रूर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये कलर पैच फॉल्ट नहीं है। तो मन में लगेगा कि ये कलर पैच फॉल्ट है, लेकिन दोस्तों ये कलर पैच फॉल्ट नहीं है। अब देखिए आपका पास कलर पैच फॉल्ट आएगा तो इस तरह करेगा तो ज़रूर 100% एक दो बार फ्लैशिंग करने के बाद इस तरह 200 बल्ब सीरीज करके कलर पैच फॉल्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी मैग्नेटिंग जो मार्केट में बहुत देखा जाता है कि कलर पैच रिमूव करने के लिए जो मार्केट के अंदर बहुत कुछ मिलता है, वो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका कलर पैच फॉल्ट नहीं है, इसका अलग कुछ फॉल्ट है। तो दोस्तों इसीलिए ये जो बेस बोर्ड है, देखिए ये अल्ट्रा स्लिम का एक न्यू बेस बोर्ड, पुराना बेस बोर्ड है, और ये 9 ट्रांजिस्टर का बेस बोर्ड है। तो दोस्तों ये 9 ट्रांजिस्टर का बेस बोर्ड का अंदर इस तरह फट अधिक देखा जाता है। इसीलिए मैं दोस्तों देखिए मैं एक ये बेस बोर्ड को चेंज करके न्यू अलग से एक बेस बोर्ड लगाया। अब कुछ भी मार्केट के अंदर जो कुछ बेस बोर्ड मिलता है आप लगा सकते हो। ये बेस बोर्ड को मैं पूरा ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद देखिए मैं अलग से एक बेस बोर्ड लगाया, और आपको ये बेस बोर्ड लगाने का जो तरीका है आपको ध्यान से देख के लगाना पड़ेगा। लगाने के बाद चलिए मैं आपको सप्लाई देके दिखाता हूँ। देखिए मैं टीवी के अंदर सप्लाई दे दिया, और स्क्रीन पर आप फॉलो कीजिए। पहले जो ग्रीन कलर पिक्चर का अंदर था, तो चलिए मैं स्टैंड बाई से ऑन कर देता हूँ, ठीक है। मैं स्टैंड बाई से ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद आप स्क्रीन पर फॉलो कीजिए, ब्लू लाइट जरूर आएगा, ये बेस बोर्ड का फॉल होगा। तो दोस्तों देखिए एक्चुअली दोस्तों इसका जो फॉल्ट है बेस बोर्ड का फॉल्ट है। चलिए मैं ए वी मूड पर कर दिखाता हूँ। देखिए ए वी मूड पर काट दिया, इसका बिल्कुल पिक्चर ओके आ गया। तो दोस्तों तब भी इसका पिक्चर का क्वालिटी थोड़ा सा डिसकलर दिखा जाता है। एक्चुअली सर्विस मूड ओपन करके इसका कलर जो 8 GB होता है एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो फॉल्ट आपको रिपेयर करके दिखाया, और ये जो बेसबोर्ड आपको लगा के दिखाया, आप कुछ भी बेसबोर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और ये जो बेसबोर्ड मैं लगाया, ये बहुत ध्यान से आपके पास ये बेसबोर्ड है तो लगाना पड़ेगा 8 GB देख के, और 180 वोल्ट लिख के, और फिलामेंट सप्लाई जो होते हैं वो सब एक एक करके आपको ध्यान से देख के लगाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों।
तो चलिए मैं पीसीबी ये जो टीवी को ओपन पूरा टाइट करके दिखाता हूँ। देखिए इसका ब्लू लाइट ओके आ गया। चलिए मैं ये भी मूट करके आपको दिखाता हूँ, पिक्चर देखें। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सर लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों आप लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो कुछ भी सीआरटी टीवी और एलसीडी रिपेयर करने का प्रॉब्लम आएगा तो आप जरूर डिस्कस कर सकते हो। लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर फॉलो कीजिए, उसके अंदर मैं एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिख के रखा है। तो टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होने का पहले आप टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए।